इसको लंबे समय लेने से क्या कोई शरीर में साइड इफेक्ट होंगे या होते हैं? देखिए, मैं यहां पे आपने साइड इफेक्ट की बात करी ना, हम ऐसे माहौल में हैं जहां एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो साइड इफेक्ट की चर्चा होती है। साइड इफेक्ट तो होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के जी, इसके तो आपको साइड बोनस मिलेंगे जी। अच्छा, अब मैं बताता हूं, हम जिस भी घर में जाते हैं, बच्चों के बारे में हम बहुत स्पेसिफिकली ये बोलते हैं कि जिस घर में नेक्टर बच्चों के जीवन का हिस्सा बन जाता है उस घर के बच्चों की डॉक्टर विजिट जीरो हो जाती है, हॉस्पिटल से बच जाते हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम उनकी माताओं को बोलते हैं कि बच्चों को दीजिए ताकि वो डॉक्टर के पास ना जाए, बार 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 बीमार ना पड़े, तो माता का कंसर्न होता है कि बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो वहां पर हम फिर बताते हैं कि ये बच्चों को इसका साइड बोनस मिलेगा जी। जी, तो माताएं पूछती हैं बोनस क्या होता है, ये तो कभी सुना नहीं जी, हमने तो साइड इफेक्ट सुने हैं जी। तो फिर उनको हम समझाते हैं कि जब बच्चों को दिया जाता है तो वही साइड बोनस बड़े भी ले सकते हैं। हमारा खाया पिया जो होता है वो शरीर को लगना शुरू हो जाता है जी, बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया हो जाती है, उनकी एनर्जी लेवल, उनकी चुस्ती फुर्ती वो वंडरफुल हो जाती है, उनका रंग गुलाबी हो जाता है जी। और अगर बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो उनकी एथलेटिक एबिलिटी जो है वो बहुत एनहांस हो जाती है जी। और सबसे बड़ा बात, जो हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से 30-40% ज्यादा होता है। ये हमने अपने परिवारों में भी देखा है जी, हमारे बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया है, उनके डॉक्टर विजिट जीरो है जी। हमारे बच्चे दो बार डॉक्टर के पास गए, पहली बार डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जब एडमिशन लेनी थी जी कॉलेज में, दूसरी बार डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी जब जॉब लेनी थी जी, नो अदर डॉक्टर रिजल्ट्स जी। और साथ में साइड बोनस ये है कि उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी हाइट अच्छी निकली, उनकी बिल्ट अच्छी निकली और उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, तो बहुत अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छा कर रहे हैं जी। तो हर आदमी नेक्टर फ्रूटा को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बोनस मिलेगा जी। आप एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में जब ट्रू नेक्टर लेते हैं, ट्रू नेक्टर आपकी बॉडी की हीलिंग एबिलिटी जब बढ़ा देता है, तो जब बॉडी हील करती है उसने एक बीमारी हील नहीं करनी, उसने बाकी भी सारी बीमारियां अगर पल रही थी अंदर उनको भी हील करना है, बॉडी से बाहर निकलना जी जी। इसलिए हम कहते हैं ट्रू नेक्टर लेने से साइड बोनस मिलते हैं जी। लेकिन एक बात यहां पे हम जरूर कहना चाहेंगे, वो ध्यान रखना यह है कि जब नेक्टर फ्रूटा शुरू किया जाता है तो पहले कुछ ही हफ्तों में हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जी, वो सिम्टम्स जो है वो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो अंदर पल रही बीमारी को जब बॉडी डिटॉक्स कर रही होती है उसके डिटॉक्स के सिम्टम्स होते हैं जी। उदाहरण के तौर पे इसको लेने के बाद किसी को टट्टियां लग जाती है जी, किसी को वॉमिटिंग आती है जी, किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सब टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है जी। किसी के पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है, ब्रोड लगने शुरू हो जाते हैं, किसी की बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, किसी को एकदम एक आध चक्कर आ जाता है, किसी को लंबे लंबे सांस लेने की जरूरत महसूस होती है जी, या किसी की आंखों के रंग थोड़ी देर के लिए बदल जाता है जी, किसी के यूरिन से कोई कलर निकलना शुरू हो जाता है, उसका चौकी मटीरियल निकलना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नेक्टर ने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप किया और इम्यून सिस्टम ने अंदर पड़ी हुई गंदगी को बॉडी से बाहर निकालना चाहता है, तो वो सिम्टम्स बिल्कुल मैनेजेबल होते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई रिएक्शन नहीं है, उन्होंने कोई बॉडी का डैमेज नहीं करना, सब कुछ टेम्पररी है। जो जो सिम्टम शुरू में नेक्टर लेते हुए आएगा वो नेक्टर से ही जाएगा भी yes। और अगर नहीं जाता तो थोड़ी बहुत हम आयुर्वेद से सपोर्ट लेके उस सिम्टम से छुटकारा हासिल करके, और हर सिम्टम जाते हुए ये बता के जाएगा कि कौन सी बीमारी शरीर से निकल रही है। इसका पूरा का पूरा एक लिटरेचर है, सिम्टम्स ये वाले क्यों आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और कौन सा सिम्टम किस बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बीमारी शरीर से निकल रही है जी। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बोनस मिलेंगे, एलिमेंट रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, जिसने भी आपको रिकमेंड किया है ट्रू नेक्टर उसके साथ आप अपना संपर्क जरूर बना के रखें जी, वो आपको बताएगा कि आपको जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन आए हैं, इसको हीलिंग रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, कोई इसको हीलिंग क्राइसिस बोल देता है जी, उस दौरान आपने अपने नेक्टर देने वाले जो आपका भाई है उसके साथ संबंध बना के रखना है।